हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपने अपनी जिंदगी में सब मस्त कर रहे होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आप थंबनेल में चेक कर सकते हो, जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, जो मैंने अभी से रिसेंटली सेकंड सर्विस करवाई थी उसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो मैं टोटल ये बता, मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई सर्विस सेंटर की, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। लेकिन हाँ, मैं आपके कॉस्ट के बारे में आपको जरूर बता दूंगा। तो मैं बिल देखो आप साथ लाया हूँ मैं, तो ये सेकंड सर्विस का बिल है। टोटल इसमें चार चीज़ें लगी हैं, एलिमेंट कंपेयर, इंजन ऑयल, ऑयल बूस्टर एंड वॉशर, जिसकी अमाउंट है 149, 401, 127 एंड 5.47। तो ये टोटल मेरी कॉस्ट आई थी 683। एंड इसमें बट जीएसटी भी लगा है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एसजीएसटी सीजीएसटी लगा है, तो 9% लगा है। तो टोटल जो बिल आया है वो 806 रुपीज़ का है। टोटल मैं बता दूं, वैसे बिल 806 का है, लेबर चार्जेस फ्री है जो कि स्टार्टिंग के सर्विसेज में होते हैं। बाकी अमाउंट जो ये टैक्स है 123.55 रुपीज़ लगा है। टोटल कॉस्ट जो मेरी आई है 806.88 रुपीज़ आई है। तो इसमें उन्होंने सिर्फ ये जो पार्ट्स है जो चेंज किए हैं, जैसे कि नॉर्मल जैसे होता है, इंजन ऑयल मेन होता है, ऑयल बूस्टर होता है, वॉशर होता है, इसमें चेन लुब्रिकेंट भी होना चाहिए था बट जो कि है नहीं, तो कोई बात नहीं, आई थिंक पर उन्होंने जो है चेन लुब्रिकेंट किया था। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आई थी इसकी। एंड अभी तक जो मुझे प्रॉब्लम वैसा कुछ खास फेस तो नहीं हुआ, जैसे कि हाँ मेनली जो लोग बोलते हैं कि हॉर्नेट में ऑयल लीकिंग का एंड हीटिंग इशू बहुत आता है, तो यस हीटिंग इशू मुझे स्टार्टिंग में आया था, लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने गाड़ी चेक की थी, तो उन्होंने बोला था कि ये नॉर्मल है एंड ऐसा इशूज आते रहे, मतलब ज़्यादा है नहीं, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। तो रियली में कुछ टाइम में वो ठीक हो गया था। बाकी आप अगर देख सकते हो इंजन ऑयल के पास यहाँ पे कोई इशू नहीं है अभी तो, बहुत पुराना, मतलब सर्विस के आई थिंक मैं 2-3 हफ्ते बाद में गाड़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑयल का कोई इशू नहीं है। बाकी जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे आई थी उस स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इसकी एक तो हेडलाइट में आई थी, इसका जो LED लाइट है वो बंद हो गई थी, मतलब डिपर वगैरह काम नहीं कर रहा था। तो वो जाके चेक कर रहा था, उन्होंने बताया कि कुछ चिप वगैरह ख़राब हो गई थी, तो वो उन्होंने ठीक किया। एंड उसके बाद मुझे एक और इशू आया था बैटरी में, तो एक्चुअली में होता ये बैटरी मतलब ठीक थी, बट ये होता था जब मैं चाबी का ये चाबी जब मैं ऑफ करता था गाड़ी को, तो ऑन करके एकदम से सेल्फ नहीं लेती थी, तो वापस से इसे बंद करके वापस चालू करना पड़ता था स्टार्ट करने के लिए। तो वो चेक करवाया तो बैटरी जो चेंज हुई वो भी फ्री में चेंज हुई थी बैटरी। बाकी उसके अलावा तो मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। एंड अभी तक मैं आई थिंक अगर आपको दिखाऊं तो मैं गाड़ी को अराउंड 4754 किलोमीटर चला चुका हूं अब तक, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो बस आज की जो मेन वीडियो थी वो इसी के बारे में थी कि मुझे कितनी कॉस्ट आई। एंड मैं बता दूं जो फर्स्ट सर्विस की जो मेरी कॉस्ट आई थी वो अराउंड आई थी 600-700 रुपीस आई थी। तो मैंने उसका बिल ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे बिल एक्चुअली में मिला नहीं, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको इतनी कॉस्ट आई थी। एंड स्टार्टिंग में तो मुझे कोई इशू नहीं आया था, बस फर्स्ट सर्विस में ये इशू आया था कि थोड़ा इंजन हीट कर रहा था, बट वो नॉर्मल था। उसके बाद सेकंड सर्विस में आपको बता चुका हूँ सिर्फ लाइट का इशू आया था, सॉरी हाँ लाइट और बैटरी का इशू आया था बस, बाकी बाइक मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपको बस मुझे कॉस्ट बता दें इतना कॉस्ट आया था। एंड मेरी सर्विस जो हुई थी अराउंड 1000 या के आसपास शायद हुई थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, मैंने पहले की वीडियो बना रखी है तो उसमें दिखा दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अभी चलता हूँ मैं अपने ऑफिस, क्योंकि हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अराउंड टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:43 एंड 10 बजे का मेरा ऑफिस है, तो मैं चलता हूँ अपने ऑफिस। एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन में नई कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।